ये ना तुम गए हो इस समय जल, क्योंकि तुम्हें चाय नहीं मिली वहां ले जाने के लिए। अब जब वहां पहुंचोगे ना तो तुम इस कॉफी के लिए मेरे आगे भीख मांग रहे होगे, और मैं क्या करूंगी, ऐसे लात उठाऊंगी और तुम्हारे मुंह मार दूंगी। तो हम लोग आ गए स्कूबा करके, और पहले हम दोनों हाथ पकड़ के गए अंदर, उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। और और संभावना जैसे को ही हम लोग अलग हो गए ना, तो मेरे को पैनिक हो गया, एकदम पैनिक अटैक आया, और मैं ऊपर आ गई डर के मारे। फिर मैं दोबारा अंदर गई। और मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो हम दोनों अलग अलग हो गए थे ना अंदर। मेरे को भी दो तीन बार हुआ पैनिक, लेकिन आप अगर यहीं पे काम वहाँ पे ना। हाँ चल काम चलते बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। शी इज दैट गर्ल। आप लोग देख रहे हैं ना, सामने से एक लड़की आ रही है, और अभी बताता हूँ। ये पीछे अभी जो लड़की गई, मैं स्कूबा करके बाहर निकला और ये खड़ी थी, और मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, और मैं दूर से निकला और मैं चिल्लाया उनका, बेबी हाउ वाज इट? तो उसके बगल में उसका हस्बैंड खड़ा था, उसने बोला दैट्स माय बेबी। तो इतना एम्बैरेस्ड हो गया। तुम मतलब चश्मा उतार के कोई भी कांड कर सकते हो इसका मतलब, और एक्सक्यूज दे दोगे कि मेरे को बेबी दिखा नहीं था। और मैंने संभावना को क्या दिखा, तीन तीन नीमो फिश, और स्पेशली जाके मैंने थर्ड टाइम में उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर और डीप लेके जाए, ताकि मेरे को नीमो फिश दिख जाए और मैं विश मांग लूँ, और मैंने पूरा कर लिया अपना। अब मुझे पता नहीं इसको किसने बताया कि नीमो फिश से विश मांग सकते हैं और विश पूरी होती है। मैंने लास्ट टाइम थाईलैंड में भी मांगा था, फुकेत में मांगा था मैंने। कौन बोलता है ये, कहाँ सुना तुमने? मैं सब सुन के आती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ सब चीज़ें। नीमो से विश मांगो ना तो नीमो विश पूरी करती है। नीमो एक फिल्म थी, आपने देखी होगी, फाइंडिंग नीमो। उसमें जो फिश खो जाती है उसके उसके लिए उसको नीमो कह रही है, वो उसका नाम कुछ और होता होगा। नीमो ही है। और मैं 25 मिनट्स में बाहर आ गया, और मैंने कहा यार संभावना क्यों नहीं बाहर आ रही है, संभावना क्यों नहीं बाहर आ रही है। फिर मुझे पता चला बाद में निकली है कि इसने ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर करके ना 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़वा ली अपने। और वो कहता मैडम मैं अलाउड नहीं, लेकिन मैं करा देता हूँ आपको। और मैं आके पागलों की तरह बाहर खड़ा था। ड्राइवर बहुत स्वीट था वो लड़का। बहुत मजा आया यार, ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना अंदर जाके, पूरी दुनिया से अलग, और आपकी सिर्फ ब्रीदिंग की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होती है। मुँह सूख गया मेरा, भूख लगी है। ये आवाज़ आप सुनते हो, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन बेबी। नहीं तुम्हें नहीं लगता? अब तुम करते रहो मेडिटेशन। अब हम लोग जा रहे हैं होटल, पता नहीं, मुझे लगता है ब्रेकफास्ट भी नहीं अब होगा, टाइम भी खत्म हो गया, 10 बज गए थे, तेज भूख लगी है बेबी। पकड़ के रखो मेरे। हम लोग होटल में आ गए हैं और ब्रेकफास्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि वो हमारी वेट कर रहे थे। अच्छे भले लोग हैं। थक गई बेबी मैं, बहुत बुरी तरह से थक गई, स्कूबा डाइविंग ने थका दिया, कान वान सब बंद हो गए। लेकिन बेबी तुमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कितना किया, शी इज़ अ ट्रू व्लॉगर। कल वाली छोटी बिल्ली फिर मुझे दिख गई यहाँ पे, ये रही छुपी हुई है यहाँ पे। कैसा है बेबी? अरे अरे भाग गई। हाँ डर गई, कल बचाया आज डर गई। बताओ जिसने बचाया उसी से डर गई। जिसने बचाया उसी को मार डाला। समाज का एक एग्जांपल दिया बिल्ली ने ना। रक्षक ही भक्षक हो सकता है। ब्लैक कॉफी यू हैव? डोसा या ओके। भुर्जी एक और आएगी ना अभी? हाँ भुर्जी, वन मोर भुर्जी एंड टू प्लेट्स, बिग प्लेट्स। ये देखो एक कॉफी अभी पूरी पी भी नहीं है कि दूसरी ऑर्डर कर दी है। बेबी आज कोटा एक ही बार में पूरा हो जाएगा क्या? बेबी तो सुबह तड़प रही हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी के लिए, तो तड़प रही थी, खत्म कर लूँ फिर उसके बाद पीऊँगी, ऐसे एकदम नहीं पीऊँगी। तो एक गैलन में मंगा लो ना, टैंकर मंगा लो, उसमें टूटी लगा लो, टूटी के नीचे मुंह लगा लो कॉफ़ी के लिए। अभी हो गई, अभी आराम से पीऊँगी ना, गरम गरम पीऊँगी झूले पे बैठ के, पता नहीं है तुम्हें, समझे? ओह तो संभावना का प्लान ये था कि दूसरी कॉफ़ी अभी जाएगी और बीच पे पिएगी झूले पे बैठ के, होटल के बीच पे। देखना कॉफ़ी लेके मुँह के बल गिर मत जाना। ये ना तुम गए हो इस समय जल, क्योंकि तुम्हें चाय नहीं मिली वहाँ ले जाने के लिए। अब जब वहाँ पहुँचोगे ना तो तुम इस कॉफ़ी के लिए मेरे आगे भीख मांग रहे होगे, और मैं क्या करूँगी, ऐसे लात उठाऊँगी और तुम्हारे मुंह मार दूंगी। फिर देखेंगे, देखो फिर मज़ा तो तब आएगा ना बेबी, जब लात पड़ेगी। ऐसे में मज़ा नहीं आता, ये भी तो तुम देख रहे हो, जब ये होगा तब मज़ा आएगा, तब आएगा मज़ा असली। अरे बेबी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि समुंदर तक जाते जाते मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। बेबी बारिश और कहीं नहीं हो रही है, पूल में ही क्यों हो रही है सिर्फ? हाँ सिर्फ बारिश पूल में हो रही है और कहीं नहीं। मैं थोड़ी देर में पूल में जाऊंगा, तुम नहाने जाना। ये आप देख रहे हैं ये बार है, और ये बाहर चेयर्स लगे हुए हैं, इससे खूबसूरत बार हो सकता है भला? सामने बीच। हम लोगों को बार का क्या करना, हम तो चाय वाले लोग हैं बेबी, हमारी जिंदगी चाय से खुश होती है, कॉफी पे खत्म हो जाती है। बेबी झूला खाली पड़ा है, आ जाओ जल्दी। अब पीऊंगी मैं अपनी चाय। ये आ गई बेबी, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, और क्या चाहिए? सामने समुंदर, बीच में झूला,
और हाथ में कॉफी। अरे ऊपर वाला मुझे बहुत प्यार करता है। रोको ना। आओ तुम भी आओगे? मुझे भी करता है ना इसलिए। तुम्हें नहीं करता, तुम जबरदस्ती करवा रहे हो। मुझे करता है तभी ये अपॉर्चुनिटीज दी है कॉफी वगैरह की। मुझे कॉफी प्लस ये झूला, सामने समुंदर और साथ में कौवा। मैं कौवा तो दिखा दो। कहाँ है कौवा? बेबी तो मुझे प्यार करते हो ना। भूख लगी है फिर से। ये उस कॉर्नर पे वही है राधानगर बीच जहाँ हम कल गए थे, और इस कॉर्नर पे है काला पत्थर बीच, और इस कॉर्नर पे है एक झूला झूलती लड़की जो अपनी जिंदगी के फुल मजे ले रही है। आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं चप्पल तार के करूंगी। बेबी इस 110 रुपए की चप्पल ने मेरा कितना साथ दिया है। डिस्काउंट में मिली थी 100 रुपए में। अच्छा होता है एक शंख। कहाँ नहीं शंख नहीं ले जान देंगे, इतना बड़ा थोड़ी है, छोटा सा है तो। अच्छा है दिखाओ। अरे कितना सुंदर है आंटी, फेंक रहे थे आप इसको? हाँ एक बार धो के ना फिर रख के लेके जाना। ये कौन सा ऐसा एरिया? कौन सा एरिया क्या? ये कौन है? मैं नाम तो नाम कौन है क्या? ये लड़का आंटी पहली बार मिला भी निकलेगा पानी से बाहर तो नाम पूछती हूँ इसका। ये आपके होटल में रह रहा है हमारे होटल में? पता नहीं ये अंदर जाता रहा क्या, इसको डूबना है क्या? बहुत ज्यादा अंदर चला गया ये। बहुत ज्यादा अंदर चला गया ना, फॉरनर है ये तो, यहाँ नहीं रहता ये। हाँ जी अंकल, कहाँ के रहने वाले हो? दोनों दिल्ली के हैं वैसे तो। किस जगह? दिल्ली। ये मैं तुगलकाबाद। मैं पीतमपुरा रहती हूँ। दोनों को फ्रेंड हो? नहीं नहीं हस्बैंड वाइफ है। मियां बीबी हो? हाँ जी। ठीक है। हाँ नहीं अंकल हम तो उस चीज में विश्वास ही नहीं रखते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो विश्वास ही नहीं रखते। ये तो एकदम मतलब चूना लगाने वाली बातें होती हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काहे के होते हैं, करनी है तो शादी करो सीधा। सोचने क्यों कर रहे हो? हाँ सोच क्यों कर रहे हो, कर लो शादी, इसलिए कर ली। तलाक भी जल्दी हो जाता है फिर उनका? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो हाँ जो चोचले करते हैं तो तलाक जल्दी हो जाता है। हम तो 5 साल रहे साथ में, उसमें शादी कर ली हमने। बहुत बढ़िया, कर लो। खर्चा नहीं किया ना माँ बाप का? नहीं माँ बाप का बिल्कुल, माँ बाप ने हमने नहीं, माँ बाप ने खुद ही नहीं किया खर्चा। हाँ आप लोगों ने मिल के माँ बाप को बिठा के शादी कर ली। और हमारी कर्म होगा तो हम साथ निभाएंगे, अरे नहीं कर्म होगा तो हम साथ देख लो साथ निभा रहे हैं। इसलिए अगर आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी दोनों डूबना नहीं, शंकर भगवान को जो है टेकन है, और बाप इनको हमारी जोड़ी को बरकरार रखा। थैंक यू अंकल, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा। कितना जिंदा दिल है ना। हम लोग अब निकल रहे हैं, फाइनली हमारे रूम को टाटा कर रहे हैं, और निकल के हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन की ओर। ऐसे रहने दो, खुला लॉक नहीं भी कर, तुम चाबी ले लो उनको दे दो। हाँ दैट्स इट, गुड बॉय। अरे ऐसे तो मैं कोको को बोलती हूँ यार, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। एक दिन और काश मैं स्टे कर सकती होती, और वो कर भी सकती थी मैं, लेकिन मेरी जाके शूटिंग है, मुझे वापस होना है मुंबई में, क्योंकि मेरा दोबारा से ट्रैवल है। उफ मेरे बैक टू बैक ट्रैवल्स हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, मज़ा आता है, काम भी करते रहो घूमते भी रहो, लेकिन ट्रैवलिंग थोड़ा सा हड्डियाँ तोड़ देती है। अगर आप हैवलॉक आए तो इस रिजॉर्ट में जरूर रुकें। आई डोंट नो वन ऑफ द बेस्ट, बट मेरे लिए दिस इज द बेस्ट। हम तो ओनर से मिले, आज भी मिले और कल भी मिले, और अनफॉर्चुनेटली वो निकल गए हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए। बट जो ओनर है मिस्टर डीपी सिंह, अ वंडरफुल पर्सन, इतना अपनापन, इतने अच्छे इंसान, और सरदार जी हैं, और बहुत यू नो जिंदा दिल है। तो उन्होंने कल हमारा रूम भी अपग्रेड कराया, तो हर तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। ये जगह सबको रेकमेंड करूंगी। आई डोंट नो एक्सपेंसिव, लेकिन आप मेरा नाम लेके आ जाओ यहाँ पे, शायद आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं और आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो आप यहाँ मत आइए। नहीं अंडमान जरूर आइए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी कैसे ऐसी। और अगर आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं और आप उसको एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, तो बॉस आप एक महीना आके अंडमान में रह लीजिए, आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं। आप पूरा जोर लगा लो सर से चोटी का, कुछ नहीं होने वाला है। और संभावना पता है क्या कह रही थी, क्रूज में बैठ के उनसे पूछती वाईफाई है क्या, एक क्रूज जो आइलैंड टू आइलैंड जा उसमें पूछ रही है वाईफाई है क्या। उन्होंने इस बात का जवाब भी नहीं दिया। यहाँ पे इसको अपने कमेंट्स पढ़ने होते हैं, लाइक करने होते हैं कमेंट्स, कुछ नहीं हो पा रहा। बताओ ना, ये अविनाश ने ना एक ऑटो बुक किया है, वो ऑटो वाले का चश्मा जरूर दिखाऊंगी मैं आपको।
व्हीकल में तो हम वेटिंग करने। हाँ वेटिंग होगा, आप पकड़ लीजिए आधा पौना घंटा तो होगा वेटिंग। 200 रुपया। 200 रुपया टोटल। अच्छा आप एक्चुअली बोल रहे हो और उसके बाद ना कर रहे हो। अच्छा लग रहे हो, स्मार्ट लग रहा है चश्मा। वो शर्मा रहा था, वो चुप रहा है मुझसे बता। अब अविनाश और मैं यहाँ पे कॉफी पीने आए हैं क्योंकि वी डोंट फील लाइक ईटिंग एट ऑल। हम लोगों को एक अच्छे कैफे में एक अच्छी कॉफी और वाईफाई मिल गया है ब्लॉक आइलैंड में, मजा आ गया। बेबी कैसे रहे तुम्हारे पिछले एक घंटा? ओह कितना अच्छा, और बेस्ट यहाँ की कॉफ़ी कितनी अच्छी थी। ऐसी मुंबई वाली कॉफ़ी यहाँ मिल गई मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने भी कहा किसी दीवार पे जाके सर मार दूँ अपना, इतनी अच्छी कॉफ़ी थी। खुशी से? हाँ भाई, और क्या दुख से थोड़ी। अरे हमारा ऑटो वाला भाग गया क्या? यही होगा। अरे बैग है उसकी गाड़ी में। उसको तो वैसे इतना मारने का मन कर रहा है ना मेरा ऑटो वाले को, जो कुत्ते को मारा ना उसने पीछे से, ऐसा नहीं कर रहा कि उसका ऑटो भी उसके पीछे दे मारूं। वो बिल्कुल पास में था आपके। नहीं आपने गलत किया, मैंने देखा आपको बिल्कुल पास में जाते हुए, इतना पास से मैं देख रही हूँ, बिल्कुल पास में खड़ा है, आप कैसे पास में लगे? उसका जो चश्मा जाएगा टूट, नकली सा जो रेबैन पहन रखा है ना उसने, हटा दो कैमरे को घुसा रहा। भैया यहाँ कोई शॉपिंग वॉपिंग की जगह है क्या पास में? मतलब हमारे पास अभी एक घंटा है, थोड़ा घुमा दो कोई अच्छी जगह हो तो। देखो राधा नगर बीच और काला पत्थर बीच तो हमने देख लिया, उसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं। मार्केट बंद है क्यों? लास्ट टाइम मतलब लंच टाइम आपको 20 तक छोड़ देता हूँ। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है क्रूज पे जाने के लिए, हम लोग सब एंटर कर रहे हैं। बैग्स बहुत भारी है ना, मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ मेरे को एक दे दो। कौन सा? ये ब्लैक वाला मैं ले लेती हूँ। देखो तुम कितना भार ढो के जा रहे हो अविनाश। लिसन मैं ले लेती हूँ। ठीक है आ गए हम लोग क्रूज के अंदर और बहुत मजा आएगा क्योंकि ना क्रूज पे कटलेट मिलता है खाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कॉम्प्लीमेंट्री कटलेट और क्या मिला था, सैंडविच। थोड़ा सा यहाँ पे बाहर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि लोग कई बार थोड़ा सा कर देते हैं। मैं वैसे बहुत फ्रेंडली नेचर की हूँ लेकिन कई बार यू नो यू जस्ट नीड योर स्पेस और थोड़ा सा या तो लोग आके बात कर लेना तो भी आपके लिए ईजी रहता है कि बात करके यू नो यू टेक पिक्चर्स और सारी बातें ख़त्म। लेकिन ना दूर से ना ऐसे देखते रहते हैं लोग, ऐसे देखने बताती हूँ कई लोग क्या करते हैं। तो जब ऐसे करते रहते हैं ना उससे मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, और जब मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ ना तो मैं अविनाश का हाथ पकड़ लेती हूँ और अविनाश के अंदर घुस जाती हूँ और फिर मैं ना इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। जब मैं ही मजा नहीं लूंगी तो कोई और भी मजा नहीं ले पाएगा, मैं किसी को भी लेने नहीं दूंगी। हो गया तुम्हारा, बैग उतार दूं मैं? हाँ बैग उतार, पकड़ो ना, जब से आया हूँ क्रूज में बैग नहीं उतारने के लिए। मैं भी ऐसा बोलोगे मुझे मेरा बैग दे दो मुझे। अच्छा नहीं बताया था मैंने, एक्सप्लेन अच्छा नहीं किया था, सिर्फ इतना सही दिया खाने के लिए इतना सा। बोला उसको Are you serving anything else also? We'll be serving your fruity along with it. Food. Fruity. That's it. But oh, there's no cutlet, nothing. Oh my god. ये देखना देखना. ट्रे खोल के रख दो ना उस पे, ट्रे खोल दो। हंस हंस के पेट में दर्द हो गया, वो चाय कॉफी रख ही नहीं पा रहा था टेबल पे। सच अ फनी सिचुएशन बॉस, लात मार रहे थे एक दूसरे को जिसने भेजा होगा ना चाय, जा भाई मेरे लिए चाय ले आ। उसको वो लात मार रहा था। कल जब आए थे तो हम लोग मॉर्निंग शिप से आए थे और अब इवनिंग में जा रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स हैं क्या बताएं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रूज, इस पे हमको इतना पता चल रहा है। ओ अब पता लगा ना, बहुत आते वक्त नहीं पता लगा ना, पता लग रहा है सारा।
थोड़ी देर पहले अपने सर्टिफिकेट पे बहुत प्राउड फील कर रही थी कि स्कूबा डाइवर का सर्टिफिकेट मिला है इसको, कि मैं पानी के अंदर की डाइवर हूँ। मैं भी किसी को दिखाना मत, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बोले हम कैसे मान ले आप पानी के अंदर चले जाते हो, जो पानी के ऊपर इतनी उल्टियाँ कर रहा है, पानी के अंदर क्या करेगा वो, तो समंदर जहरीला कर देगा। अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? कोई कुछ भी बोले भी उसको सर्टिफिकेट मुँह पर मारना उसके। बोला मैं डाइवर, शट योर माउथ। अभी कर पाओगी डाइविंग? नीमू से मिलना है। एक्चुअली क्या है कि सीज़न ऐसा है रेनी सीज़न कि इसमें ये अक्सर होता है क्रूज़ पे जितने भी लोग हैं उसमें काफ़ी लोग वॉमिटिंग कर चुके हैं तब से। एक्चुअली जब मॉर्निंग में हम लोग आते हैं उस वक्त हमारे तो बहुत स्मूथ था बिकॉज हम लोग वेव्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अभी इन द इवनिंग वी आर ट्रैवलिंग अगेंस्ट द वेव्स, एवरीबडी इज थ्रोइंग अप मोस्ट ऑफ देम। आई वॉज द फर्स्ट वन। यू स्टार्टेड इट ना? सबने फॉलो किया। दो लोग तो बाथरूम से बाहर नहीं आए। भी जर्नी खत्म होने के बाद पड़ रही हुई लाइफ जैकेट कैसे पहननी है? अरे यार गाना भी यही चल रहा है बिकॉज आई एम अ फ्रीक। भी जर्नी खत्म हो गई दोनों साइड से, पड़ रही हुई लाइफ जैकेट कैसे पहननी है और रूल्स क्या है क्रूज में बैठने के? आ गए।